आपकी जिंदगी का जो मकसद है दैट्स नॉट गोना स्टॉप, वो रुकेगा नहीं। इस महीने के अंदर अल्लाह की रहमतें तेज हो जाती हैं, अल्लाह की बरकतें तेज हो जाती हैं, मगर हमारी परफॉर्मेंस जो हमारे ऊपर फरीदा है इबादत का और अल्लाह के फराइज और अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का, वो ना आज खत्म हुआ है ना कल खत्म होगा और ना कल खत्म हुआ था। द फाइट इज ऑन एंड द प्रोसेस इज ऑन एंड द जर्नी इज ऑन एंड यू स्टिल लिविंग, और अभी सांस निकला नहीं। First of all, there is a big misconception in the Ummah that this is some sort of a special month. This is a ये एक खास महीना है अल्लाह के rewards के लिहाज से, मगर हमारी performances के लिहाज से इस महीने में या शाबान में या शवाल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इम्तिहान और टेस्ट जो है that's continue, that's going on. अल्लाह ताला ने ये जो जिस लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा था वो इम्तिहान ना कल खत्म हुआ है, ना आज या चांद रात के बाद खत्म हुआ है, ना चांद रात के बाद खत्म होगा। वाअबुद रब्बा का हत्ता यातियकल यकीन, इबादत के प्रोसेस को कंटिन्यू रख जब तक कि तुझे मौत नहीं आ जाए। सो एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट डाई टिल यू वॉन्ट डाई, आपकी जिंदगी का जो मकसद है दैट्स नॉट गोना स्टॉप, वो रुकेगा नहीं। हाँ, इस महीने के अंदर अल्लाह की रहमतें तेज हो जाती हैं, अल्लाह की बरकतें तेज हो जाती हैं, मगर हमारी परफॉर्मेंस और जो हम पे जो तलवार लटकी हुई है इस टाइम पर, जो हमारे ऊपर फरीदा है इबादत का और अल्लाह के फराइज और अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का, वो ना आज ख़त्म हुआ है, ना कल ख़त्म होगा और ना कल ख़त्म हुआ था। इसलिए थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्टेटमेंट देता हूँ यहाँ पर, द विजन नेवर एंड्स अप, इट इज द पीपल हु कैरी दैट विजन दैट गेट रिप्लेस्ड। एंड अल्लाह सेज द सेम थिंग, इबादत नेवर एंड्स अप, अ पर्सन डाइज देन समबडी एल्स कैरीज दैट विजन ऑफ गेटिंग एक्चुअलाइज्ड इन फाइंडिंग हिज लॉर्ड एंड क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड। वमा खलक्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, सीईओ बन के भी होता है दीन में और सीईओ से उतरने के बाद भी होता है, ये खत्म कभी नहीं होता। बट समटाइम्स यू आर द फ्रंट जनरल एंड समटाइम्स यू आर द थिंकिंग माइंड एट द बैक, समटाइम्स यू आर अ लेबरर, समटाइम्स यू आर अ मैनेजर, sometimes you are a thinker, sometimes you are a planner, sometimes you are a tank and sometimes you are a bullet. It all depends. In every role of life the ibadah is going on. Aap kya bante hain is deen ke liye, keel bane ya tank bane ya kitab bane, wo to aapke upar hai, magar ye process kabhi nahi rukta. So Ramadan has got nothing to do with your process going on in this world. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, कि हमने तुम्हें तखलीक किया था इबादत के लिए, और अल्लाह ने यह नहीं कहा था कि हमने तुम्हें तखलीक किया था इबादत के लिए, अल्लाह ने कहा था क्रिएट ही नहीं किया मां सिवा इसलिए कि तू इबादत। सो एनीथिंग एल्स डिफाइंड फॉर अ मुसलमान फॉर अ मुस्लिम अदर देन इबादा इज बातिल, इज डिविएशन, इज दलाल, ये गुमराही है। इसका इंसान की नेचुरैलिटी के साथ, उसके वजूद के साथ, उसके एग्जिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सो द फाइट is on and the process is on and the journey is on and you're still living, aur abhi saans nikla nahi. Gharghara, gharghara in Arabic, gharghara in Arabic means wo aakhri saans jo insaan ke halak mein atakta hai use gharghara kehte hain, aur wahan tak tauba ka darwaza khula hai. The moment you get a gharghara, jis lamhe aapko gharghara aata hai us waqt tauba ke darwaze band ho jayenge, और जिस वक्त सूरज मशरक की जगह मगरिब से निकल आएगा उस दिन तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे।